इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। नमस्ते कलेक्टर साहब, हम सब यहाँ गणपति की पूजा के बारे में बात करने आए हैं। मुझे आपकी समस्या पता है, वैसे त्योहार कब है? हमारे हिसाब से 10 दिन के बाद में है सर। ओ, चंदनगढ़ वाले कुछ तकलीफ दे रहे हैं क्या? सर, वो गणपति को पानी में डुबोने वाले हैं। पानी में नहीं तो फिर कहाँ डुबाएंगे? जहन्नुम में। किसने बोला ये? ए, क्या झाड़ की तरह बीच में खड़ा है, बाजू हटा। आप उनके गाँव में देखिए कैसे गणपति बनाया है उन्होंने। कलेक्टर साहब को तो देखना ही होगा। ठीक है, आप सब जाइए, मैं देखता हूँ। हर साल ये चंदनगढ़ वाले परेशान क्यों करते हैं? ये समस्या आज की नहीं है, पुरखों के जमाने से चली आ रही है। 1940 में चंदनगढ़ गांव में रहने वाले और सूरजगढ़ गांव में रहने वाले, इन दोनों के बीच मछली पकड़ने की बात को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इस समस्या का निवारण वहाँ के जमींदार ने पंचायत में किया। इस झगड़े को रोकने के लिए उन्होंने एक खेल का आयोजन किया। कौन सा खेल जमींदार साहब? हाथ पैर बांध कर पानी में खेलने वाला खेल। इस खेल में दो आदमी अपने दोनों पैर दोनों हाथ बांध कर तैरते रहेंगे। तैरते वक्त हाथ की रस्सी छूट जाए या पैर की रस्सी छूट जाए तो वो गांव हार जाएगा। चंदनगढ़ को जीत हासिल होने के बाद जमींदार ने उन्हें मछली पकड़ने का पहला मौका दिया। इस बात को लेकर सूरजगढ़ वाले अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने नदी में जहर डाल दिया जिससे वहां की सारी मछलियां मर गईं। इससे नाराज चंदनगढ़ वालों ने उन पर हमला कर दिया। इससे दोनों गांवों के बीच दंगे फसाद शुरू हो गए। 1947 में जब आजादी मिली उस समय धारा 144 का निर्माण हुआ। तब से वो धारा इस गाँव पर लागू होती रहती है। अब गणेश चतुर्थी का उत्सव है तो देखते हैं क्या होता है। कांच के गणपति, ये मूर्ति किसने बनाई? रुकिए, कांच से बने गणपति को आप पानी में कैसे डुबा सकते हैं? कांच के टुकड़े अगर पानी में पड़े रहेंगे तो कल किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और वहां पे जो मछलियां हैं उनके बारे में भी नहीं सोचा आप लोगों ने? हेलो, क्या बताना चाहता है ये? कह रहा है कि मूर्ति बन चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप ही कोई उपाय बताइए। रायप्पन, ये सब क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन सब से बात करना ही बेकार है। मेरी बात सुनिए, गणपति उत्सव आने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। उसके पहले ही हमें इस मूर्ति के बारे में सोचना होगा।
गणपति की मूर्ति बन चुकी है, अब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, समझे साहब? ये हम आपसे कह रहे हैं, बोलता क्यों नहीं है? हाँ साहब, सही बात है। अगर धारा लागू हो गई तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। आप लोग मेरी बात समझिए। आप उन चंदनगढ़ वालों की तरफ से बात मत कीजिए, हमारी भी इज्जत का सवाल है। एक काम कीजिए, उन्हें कहिए कि कल से हमें मछली पकड़ने जाने दे। गणपति का विसर्जन हम नदी में ही करेंगे, चाहे जो हो। पहले पैंट ठीक से पहन ले। पैंट ठीक से पहनी नहीं जाती और चला है हमें ज्ञान देने है? आपके पिताजी जब से पैंट पहन रहे थे तब से मैं उन्हें जानता हूँ, आप अपना फैसला बदलिए। पिताजी के बारे में आपने कुछ कहा क्या? मैं आपके पिताजी को तब से जानता हूँ जब से वो पैंट पहनते थे, ये कहा। देखिए, दोनों गांव वालों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। देखिए, इस समस्या को हमें बात करके सुलझाना होगा। हाँ, लेकिन कब और कहाँ ये तो बताइए सर। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारी भाषा में देना होगा। सुबह का पेपर पढ़ लीजिएगा आप। चलो रास्ता छोड़ो, साहब को जाने दो। हे गणेश जी, हमारी रक्षा करना। ये है रायप्पन। चंदनगढ़ और सूरजगढ़ में जो भी झगड़े फसाद होते हैं सबकी जड़ यही है। सूरजगढ़ में इनके खुद की सोने की दुकान है और सिनेमा थिएटर है। इनको कार और कार रेसिंग बहुत पसंद है। इनके पोस्टर गांव भर में लगे हुए हैं और उन्हें ये बहुत पसंद है। मिश्रा स्पाइस मर्चेंट, मिश्रा। मेरी फोन पर आपसे ही बात हुई थी ना? हाँ, मुझसे। कितने दूर से आप बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं? बहुत खुशी हुई सुनकर। बादाम काजू या पिस्ता कौन सा चाहिए ये जरूर बताइएगा। तुम्हारे ये काजू खाने के लिए मैं मदुरई से नहीं आया मिश्रा। फिर किस लिए? तो यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जाइए 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 ना। झूठ का नकाब तुम्हारे चेहरे से उतर चुका है, ये मुझे उसने बोला। हाँ, कौन बोला ये? उस आदमी ने तुम्हारे असली धंधे के बारे में मेरे सामने सब बक दिया, तुम्हारा बचना मुश्किल है अब। वेरी गुड। वो आदमी कौन है ये बताओगे तो मिश्रा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। काम करो, बिस्कुट दो। बिस्कुट? सोने का। अरे बिस्कुट दो ना। ओ, ये लो। कितना दोगे बताओ? ये तुम्हें कहां से मिला? समझे नहीं, ये मेरे यहां से चुराया गया था। मुझे ये सब नहीं पता और ना मैं ये सब जानना चाहता हूं। मैं ब्रोकर हूं और ये गोल्ड मेरे दोस्त का है। पार्टी कौन है? जानता हूं, तुम मुझे उस आदमी का नाम नहीं बता रहे जो आदमी मुझे धोखा दे रहा है। मिश्रा, तुम रेट बताओ यार, टाइम कम है। एक बिस्किट के 20 लाख रुपए। शुक्रिया, चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ये है फीलिंग्स रवि, जो इसे धोखा देता है उसकी ये जान ले लेता है। जब कोई गलती करता है तो उसे टॉर्चर करने में इसे बहुत मजा आता है। सरकार के डर से कई सारे लोग इसके पास अपना काला धन, अपने गैर कानूनी डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इसकी मदद लेते हैं। अब सोचने की बात ये है कि ये सब होता कैसे है। तो इसने अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोल रखी है, आर्ट और कल्चर के नाम पर शहर भर में मूर्तियां बनाकर रखी हैं, उसमें वो सोने के बिस्किट सप्लाई करता है, यही इसका धंधा है। हाँ बोलो भैया। दो नंबर का धंधा करना तुम्हारे मर्डर करने जितना आसान नहीं है। तुम कल से मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देता हूँ। बुद्धे की बात करो ना भैया। फीलिंग्स, कोई आदमी मेरा ही सोना चुरा कर मुझसे धंधे की बात करने आया है, पता है तुम्हें? मैं भी तो पिछले एक महीने से उसी को ढूंढ रहा हूँ। मतलब सोने की चोरी हुई, ये बात सही है। अब समझ में आया कि तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। 80, 90, ये तो बहुत ही गलत हुआ। माना मैं पैसे के पीछे बहुत ही पागल हूँ, पर उसके लिए आपको धोखा नहीं दूंगा। छी, बकवास बातें मेरे सामने मत किया कर। नाम है उसका रायप्पन, मदुरई में बड़ा नामचीन आदमी है। उसकी वहाँ खुद की सोने की दुकान और थिएटर है।
पता करो उसके बारे में। बेकार की बातें बंद कर, उसको पकड़ने के बारे में सोचो, वरना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 170, ओह माय गॉड। सर, प्रेशर आपका 170 से ऊपर हो चुका है। जब तक आप उसे मार नहीं डालेंगे, आपका टेंशन इसी तरह बढ़ता रहेगा। इस बात को आपने अपने अंदर भर के रखा हुआ है। सो, आपकी टेंशन दूर हो इसके लिए आपको जल्द से जल्द प्लान करना होगा। सूरजगढ़ चलते हैं। एक मुख्य घोषणा, सूरजगढ़ और चंदनगढ़ में चल रहे मछुआरों के आपसी मसले को लेकर वहां के कलेक्टर ने कानूनन धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। का समय सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक रखा है। कोई भी आदमी या औरत इस आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसे कानूनन सजा दी जाएगी। सारे लोग कानून के दायरे में रहें। यहाँ पर पुलिस आपकी और आपके गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। अरे भैया, ये हाथ क्यों छोड़ा? इसमें भी लगा दो। ए, ज्यादा ज्ञान मत दे। टोपी लगा लो, एकदम हीरो दिखोगे। और ये है देसु, दुनिया के सारे टेढ़े काम करने में माहिर। आ जाओ आ जाओ। और ये है इसके पिताजी, गैर कानूनी धंधों के शहंशाह। देसु का एक दोस्त है अटैक पंडित, जिससे उसकी पहचान तंजोर में हुई। इसने गहने चुराकर देसु को दिए बेचने के लिए, लेकिन इसका नसीब खराब था और ये सीधे पहुंच गया पुलिस स्टेशन। कब पता चला तुझे? सर, पिछले एक महीने से बार बार मेरी दुकान में आकर सोना बेचने लगा। सर, एक बार मैंने गलती से सोना चेक किया तो पता चला सर कि वो डुप्लीकेट सोना था। सर, तुझे क्या लगा हा? तेरी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तेरी चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। कोई टैलेंट नहीं है। कोई टैलेंट नहीं है। ये गलत है कि इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। एक टैलेंट है जो इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये ताला खोलने में माहिर है। सर, हथकड़ी खोल दी। अरे खींच के दे उसको। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? सर प्लीज मारिए मत। पहले ही जो सर ने कहा उसे लेकर मैं सदमे में हूँ। हमें बेवकूफ मत बना। कितने देर पहले खोली हथकड़ी? अभी एक मिनट हुआ होगा। एक मिनट से हथकड़ी खोल के यहाँ क्यों बैठा था? भाग क्यों नहीं गया बेवकूफ? बेवकूफ कहीं का। एक बात बोलूं तुझे, सुधर जा, नहीं तो सुधार दूंगा। सर, जाने दो ना, गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे? पुलिस वालों के पास मजाक करने का टाइम नहीं होता। वैसे भी आप यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठे करते क्या? सर, गलती से मुंह से निकल गया। वैसे भी दुनिया में मेरा है ही कौन? आप मेरे पिता जैसे, ये मेरे ससुर जैसे। बकवास बंद कर अपने, मुझसे नाटक कर रहा है? टांग तोड़ कर रख दूंगा। ए, अंदर डालो इसको। ए, अंदर चल। शोर नहीं। ससुर जी, ये तो लेते जाइए। बैठो। नमस्ते सर। देखो भाई, कोर्ट का चक्कर काटोगे तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं उससे बात करके सेटलमेंट करवा देता हूँ, फिर हम आपस में समझ लेंगे। इसकी शक्ल किसी भी एंगल से सेठ जैसी नहीं लगती। तुम इसकी टेंशन मत लो। सर, आप जो भी करोगे वो ठीक होगा। भरोसा है ना मुझ पे? हाँ सर, ठीक है। अच्छा सर, नमस्ते।
ऐसे बेवकूफों की वजह से ही हमारी दुकान चलती है। अरे सुनो सर, उस बेवकूफ को बाहर लेके आओ। तू बाहर कब आया? वो सांड जब निकला ना तभी मैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बता, उस सेठ का कितना पैसा है तेरे पास? क्या सर कुछ भी कहते हो, एक पैसा नहीं बचा। सारे पैसों के मैंने कपड़े खरीद लिए, कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, फिर से बेवकूफों जैसी बातें शुरू कर दी, लगता है पावर दिखाना होगा। सर इस बार छोड़ दो, अगली बार जब गिरफ्तार होऊंगा ना सारा अमाउंट सेटल कर दूंगा। हैं? ठीक है जा जा। तुम्हारी ये शक्ल मुर्गे की तरह लग रही है। ए, तुम कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। सोना कहाँ छुपा कर रखा है? कौन सा सोना? जरा एक महीना रिवाइंड तो करो, याद आ जाएगा। अन्ना पार्क के अंदर वो एक औरत का जो पुतला है ना, ए विजय जरा पोज देके दिखाना। हाँ वही 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 वही। सुनो, उस पुतले को उठा करके सीधा यहाँ ले आना है। उसकी जगह मेरा पुतला बैठाना है। हाँ बिल्कुल सही, समझ गया ना क्या कह रहे हैं? ए, इसको गिराएगा क्या? 15-16 सोना सोना सोना, सोने के बिस्किट। तो कुछ याद आया, मिश्रा के पास सोना बेचने गए थे तुम। मेरी एक सोने की दुकान भी है, बिस्किट मेरे पास भी है। उस बिस्किट पे जो जोकर बना हुआ है, अगर उसे ध्यान से देखोगे ना तो उसमें मिश्रा की शक्ल नजर आएगी। अच्छा वो तो मेरे दोस्त की तस्वीर है, मेरे बचपन का दोस्त था। पहले हम लोग एक दूसरे से खूब मिलते जुलते थे, लेकिन फिर कहाँ चला गया उसका आज तक कुछ पता नहीं। एक मिनट भाई साहब, हमारे बॉस को टेंशन सूट नहीं करता। जब से सोना गायब हुआ है तब से बॉस को शुगर, बीपी, वीकनेस, ये सारी बीमारियां एक एक करके पकड़ रही हैं। बताते क्यों नहीं है बॉस? तो तुमने हमारा ही सोना चुरा लिया, बड़े शातिर हो तुम। क्यों भाई तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ देखो रायप्पन, अगले 2 दिनों में तुम खुद आकर वो सोना मुझे लौटा देना। नहीं दिया तो? नहीं दिया तो तुमसे सोना कैसे वसूल करना है ये मुझे पता है। फीलिंग्स रवि। ऐसे गधे की तरह खड़े हैं। क्यों भाई सही हो ना? अभी कौन आया था भाई? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ सारी गाड़ियां बिल्कुल ठीक ठाक तो है ना? आपकी गाड़ी को कौन हाथ लगाएगा, किसमें हिम्मत है? मेरा नाम राणा ऐसे ही नहीं है, सारे माल को गाड़ी में अच्छे से छुपा कर रखा है। माल को बिना नुकसान पहुँचाए हम अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो ड्राइवर मदन को पकड़ेंगे भाई, हम लोग पूरी तरह से सेफ है। कल की रेस में ये गाड़ियाँ अच्छे से दौड़ेंगी ना? आप मदन को हल्के में मत लो भाई, वो हवा में गाड़ी उड़ाएगा। हा
इसका नाम है मदन। ये रायप्पन का बंदा है और खुद बहुत बड़ा कार रेसर बनना चाहता है, पर आजकल रायप्पन के पास ड्राइवर की नौकरी कर रहा है। रायप्पन जो कुछ भी कहता है वो आंख बंद करके पूरा करता है। दिव्या, कल कंप्यूटर क्लास नहीं गई थी? हाँ? हाँ, किसने कहा आपसे? कला ने कहा मुझसे। कला के घर पर रजनीकांत आए थे, विश्वास करेंगे क्या? पापा, आप अपनी दिव्या पर शक कर रहे हैं? बात वो नहीं है बेटी, एक नया रिश्ता आया तुम्हारे लिए। ये है उस लड़के की तस्वीर, देख लो। ये लीजिए कॉफी। समझाओ इसे। शादी की इतनी जल्दी क्या है अभी? शादी जरूरी है, अगर नहीं की और तुम कहीं भाग गई तो। सुनो, शांति से बैठो, लड़के की तस्वीर तो देखो। हाँ, हे, तुम हंस क्या रहे हो? जब से फोटो दिखा तब से हंसे ही जा रहे हो, तुम किसी बात पर सीरियस क्यों नहीं होते? एक दिन ना गन तुम्हारे सर पे होगी, मेरे पापा ना तुम्हें जरूर गोली से उड़ा देंगे, देखना। ए, विलन की याद क्यों दिला रही हो? ए, 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 तुमसे कुछ नहीं होगा। ए, दिव्या सुनो। ए, रुको 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 दिव्या। छह महीनों में कॉलेज खत्म होने वाला है, जल्दी से मुझे लेकर कहीं भाग जाओ, नहीं तो देवदास की तरह मेरे घर के आगे पीछे घूमते रहोगे। ए, मैं क्यों घूमते रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन रोऊंगा, तीसरे दिन भूख लगेगी, उसके बाद होटल में जाकर के भर पेट खाना खाऊंगा। हे, मैं इतनी सीरियस हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे इससे पहले भी तो लड़के आए हैं, करना क्या है, शादी करने से मना कर दो। तुम्हें जरा सा भी अंदाज है तुम कितनी फालतू बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ होगा। लड़कियां भी ना। समझा करो मेरी जान, कार रेसिंग के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। दूसरी नौकरी ढूंढो या फिर कोई बिजनेस करो। यहाँ तो पहले ही लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से बिजनेस के लिए कह रही हो। अगर हम दोनों इस तरह से भाग गए ना तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होगा। क्या रे, प्यार में लड़का ही लड़की को हमेशा भगाता है, तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे तुम्हें कहीं भगाना होगा। फिर तो भाग चुके तो बताओ मैं क्या करूं? कल बताता हूं तुम्हें। गो टू हेल। दिव्या मेरी बात सुनो। ए, क्या कर रही हो तुम, मेरी बात समझो। ए, 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 दिव्या, दिव्या रुको, दिव्या। हाँ साहब। ए, तुम दोनों जागे हुए हो ना? दोनों जागे हैं साहब। संभाल कर समझे। काका जरा माचिस तो देना। ए, तुम्हारा घर बार नहीं है क्या? अपने घर जाओ यार। गांव में धारा 144 लगी है, तुम्हें पता नहीं क्या? ना गांव वालों के पास काम है ना तुम्हारे पास, घर जाके आराम करो। मच्छर कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे ना। हाँ है तो फिर है, ये बैठने की जगह नहीं है, चलो उठो यहाँ से जाओ। हाँ जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, एक झपकी मार के जाता हूँ। टाइम हो गया, शुगर की बीमारी में यही परेशानी है, बार बार जा। इस काका को आने के लिए 10 मिनट तो लगेंगे, इतने में अपना काम निपटा लेता हूं।
ऐसे लोग हैं घर बार होते हुए यहाँ पर सोए हुए हैं। इतनी रात को ये गाड़ी कहाँ जा रही है? तुम्हारी तरह लगता है तुम्हारे गांव के लोगों को भी नींद नहीं आती है। दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं आती। काका निकलता हूँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ गए वो लोग? कमाल के चोर हैं, स्टाइल तो देखो, क्रेन से चोरी कर रहे हैं। चांस ही नहीं है। सुनो, देखो दिव्या, कान खुलकर सुन लो। दो दिन के बाद अपने गांव के बाहर जो सरकारी बंगला है वहां पे हम 2 बजे मिल रहे हैं। मैं अपना सारा काम खत्म करके आ जाऊंगा। जब तक लोगों की नजर हम पे पड़ेगी हम वहां से निकल जाएंगे। मगर क्यों? बीच में मत बोलो, भूल जाऊंगा सब। मेरे घर पे तुम आराम से 10 दिन रहो। हा? एक चिड़िया भी मेरे घर पे नहीं आती। रोज की तरह मैं काम पे आता जाता रहूंगा। किसी को हम दोनों के ऊपर शक भी नहीं होगा, लेकिन अभी भागे तो पकड़े जाएंगे। पहले तुम्हारे पिताजी को विश्वास होना चाहिए कि तुम कहीं और गई हो। 10 दिन के बाद मैं भी कोई बहाना बनाकर वहां से निकल लूंगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। कैसा लगा प्लान? क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ गधे ही हो। हे, क्या दिव्या, मजाक कर रही हो? हाथ ऐसे नहीं, ऐसे डालो। हाँ साहब। सोए तो नहीं ना? दोनों ही जाग रहे साहब। और गणेश ठीक है ना? कल ही तो मिला था, इतने में मुझे क्या होगा? नाश्ता किया? हाँ किया। खाना खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। मुझे भी खिलाना। हाय सनी लियोनी, कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ। अच्छा जरा कल्याणी को बुलाना। क्या बे, वो तुझे ज्यादा पसंद है क्या? ऐसा ही समझ ले, बुला। तुम बैठ जाओ। लंच? कल्याणी, देसु तुझे बुला रहा है। 5 मिनट्स। क्या बात है कल्याणी, पैंट शर्ट डाल के पूरा हुलिया ही बदल लिया, ये सब क्यों? आज मेरा मन किया तो पहन लिया। वो सब छोड़, वैसे मुझे तुझसे एक काम है, जरा बाहर चले। नहीं, मैं अपने एक दोस्त का वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। ए, 10 मिनट रुकना, मेरा काम हो जाएगा। रुकता हूँ। ओके। चलता हूँ। बाय। देख कल्याणी, मैं तुझे काम का ऐसा ऑफर दूंगा कि उसे तू मना ही नहीं कर पाएगी। ये ऑफर इतना अच्छा है कि उसे सुनने के बाद तू एकदम खुश हो जाएगी। वहाँ क्या देख रही है? हाँ? अच्छा ये, तुझे भी इसकी तरह बनना है ना? अगर तू मुझसे पूछे तू भी कटरीना से कम नहीं है। मैं? अब सच सच बता, मैं भी आमिर खान जैसा लगता हूँ कि नहीं? मेरी झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं, सच सच बता, प्यार कर बैठा है क्या? चाहे तो ऐसा कह सकती है। मुझसे मिलने वाले सब यही कहते हैं, तेरा प्यार कितने दिन चलेगा? अरे ऐसा क्यों पूछ रही है, जब तक है जान। हाँ समझ गई, बहुत सर दुख रहा है, चल चाय पिला। चाय पीनी है? एक तरफ ठंडा खा रही हो दूसरी तरफ गरम। चल चल पका मत। अरे दोनों साथ में नहीं खाने चाहिए। तुमने चाय मांगी थी, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ। मॉर्निंग सर। अभी सर, रात को तो भगा रहे थे। हाय। ओह वाव, वो नेकलेस दिखाइए। ये देखिए। शुरू हो गई है।
अच्छा कितने का है ये? ये लीजिए। 2 लाख रुपए। अरे बाप रे, और ये पूरी दुकान? वो मैं कैसे बताऊं? इतने सारे गहने हैं यहाँ, तुम ही हिसाब लगा लो। मैडम कोई सस्ता वाला दिखाइए। नहीं, बड़ी दुकान है। आपको क्या चाहिए? मैं यहाँ अपने मंगेतर के लिए नोज रिंग लेने आया हूँ, लेकिन वो देखने से पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। नोज रिंग आप वहाँ देख सकते हैं। सुनो, तुम मुझे वैसा वाला हार कब दिलाओगे? मेरी एक बात याद रखो कल्याणी, जब गहनों की दुकान में जाते हैं हमें हमेशा महंगी चीजें पसंद आती हैं, लेकिन हमें चादर देखकर पैर फैलानी चाहिए। जो हार तुम्हें पसंद आया वो तुम्हें मैं कभी अपनी जिंदगी में खरीद के नहीं दे सकता। तुम पहले अपनी नोज रिंग देखो। ये आज रात इस दुकान को साफ करना ही होगा। अच्छी है ना? सुपर्ब। थैंक यू। फिर भी मुझे हार चाहिए तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके तुम्हें दिला दूंगा। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हो सकता है। मुझे तो ये वाली नोज रिंग बहुत पसंद आई। अच्छा भाई, इसे पैक कर देना। जी सर। जाते जाते मुझे ड्रॉप कर देना। चलती हूँ, बाय। कल शाम को 5 बजे मिलता हूँ। और तुम्हें पुलिस के हाथ लगने से रहा, और यही है मेरा प्लान। अपने में से मैं तुम्हें आधा दे चुकी हूँ, तुम तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं। एक बात याद रखो कल्याणी, जब तक ऊपर वाला हमारे साथ है तब तक तुम मुझसे प्यार करोगी और मैं तुमसे। अरे तुम खुद ही सोच लो, एक छोटी सी चीज पाने के लिए तुम इतनी मेहनत करती हो, अगर उससे ज्यादा तुम्हें एक ताला खोलने से मिल जाए तो? क्या कहा? देखो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। जरा सोचो कल्याणी, वो खूबसूरत गहने जब तुम पहनोगी तो क्या लगोगी? कौन से? रायपन की दुकान के? वाह, देखा हम दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री कितनी मिलती जुलती है, मानना पड़ेगा तुम्हें। मैंने बस सोचा और तुमने उस बात को पकड़ भी लिया। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। ऑटो लेकर आना है क्या मुझे? नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा करना होगा। कहानी में ट्विस्ट है कि काम को अंजाम तुम दोगी। वाह रे वाह, बड़े बड़े सपने दिखाकर कुएं में ढकेल रहे हो। प्लीज मी अंडरस्टैंड, ट्राई टू कल्याणी द सिचुएशन। भगवान के लिए हिंदी में बात किया करो, ऐसी इंग्लिश बोलकर मेरा सर मत खाया करो, मुझसे नहीं होगा। अरे अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? अरे इतने सारे नए नए गहने मिलेंगे कि पूरी जिंदगी सवर जाएगी, कुछ तो बोल। मैं नहीं करूंगी। ये हमारा पीछा कौन कर रहा है? गाड़ी किसकी है, देखकर बताओ। कौन है ये लोग? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? कोई झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं है, सच बोल दे वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। चल मार के दिखा तो। इससे बात करके कोई फायदा नहीं बॉस। क्या कर रहा है? बॉस रहने दो वरना बुड्ढा स्विच ऑफ हो जाएगा। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है, अगली मुलाकात अपनी बहुत जल्द होगी। ये क्या हो गया आपको? हे भगवान, ये क्या कर दिया? जंगली जवानी। और कल्याणी पिक्चर पसंद आई कि नहीं? बहुत अच्छी मूवी थी, कोई यहाँ से उड़ता है कोई वहाँ से, और वो हीरो क्या पटकता है लड़कों को, वाह। अब तुम समझी मैंने तुम्हें ये फिल्म क्यों दिखाई।
हाँ। बिना किसी मेहनत के आराम से सेटल हो सकते हैं। ये बात सुनते ही मेरा दिल कितनी जोर से धड़कने लगता है पता है। डरो मत कल्याणी, मैंने सब प्लान कर लिया है। तुम्हारी जो बॉडी है ना वो चोरी करने वाली बॉडी है, उसे हम कैसे भी रोल करके कहीं भी भेज सकते हैं। तुम अब तक वहीं अटके हो, मैं तो भूल भी गई थी। अच्छा कल बात करते हैं। पर मेरे पास तो सिर्फ आज का ही दिन है, कल करेंगे। हाँ बाबा। कल्याणी मैंने सब सेटिंग कर ली है, आज का दिन सबसे अच्छा है। तुम जब दरवाजा खोल के अंदर जाओगी तो मैं बाहर ही रहूंगा। उसके आगे तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें याद है या नहीं बताओ मुझे। अब क्या आधी रात को मेरा टेस्ट ले रहे हो? मुझे वहाँ दुकान पर जाना है, वहाँ के गहने चोरी करने और फिर आकर तुमसे मिलना है। वेरी गुड, तुम बिल्कुल शातिर हो, एकदम उस हीरोइन की तरह। एक बात याद रहे, सारे गहने उठाने के बाद उन्हें पहनकर आईने के सामने खड़ी मत हो जाना। जैसे ही काम पूरा हो जाए वहाँ से बाहर निकल जाना, समझ गई? कल हम इस वक्त तक काफी पैसे वाले हो जाएंगे, है ना देसू? पंख आने के बाद कबूतर जोर से फड़फड़ाता है, पता है उसका क्या होता है? क्या होता है? कुछ देर बाद उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरता है। जो पहला प्रोजेक्ट है उस पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। बात समझ में आई? अब चलो चलते हैं। ये अभी सोया हुआ है लेकिन थोड़ी देर बाद जब अलार्म बजेगा तो ये उठेगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो शुगर पेशेंट है, उसे हर एक घंटे में जाना पड़ता है। बाथरूम जाके आने में उसे 10 मिनट लगते हैं, उसी बीच तुम अंदर जाओगी। ठीक है। एक घंटे बाद जब अलार्म फिर से बजेगा तब तुम बाहर आ जाना। ओके। अंदर जाकर सारे गहनों को चुरा कर मिशन सक्सेसफुल कर देना। रात को उस लॉज में मत रुकना, किसी और लॉज में रुकना, ठीक है? हाँ याद है। सुबह लॉज खाली करके अपनी पुरानी वाली जगह पर मुझसे मिलने आ जाना। हाँ। आगे का प्लान मैं कल सुबह बताता हूँ। याद है बाबा, कितनी बार एक ही चीज बताओगे, जा रही हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही बिंदास हो गई है। भगवान तुम्हारी मदद करे। आते वक्त तुम्हारे पसंद का नेकलेस मत भूलना। हाँ ठीक है। हे भगवान, आज तक बहुत सारे दुकानों को लूटा है लेकिन आज तक तूने जेल भेजने के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज मैं खुद जेल जाना चाहता हूँ, प्लीज इस बार मेरी मनोकामना पूरी करना। क्या कर रहा है? ए, कांच क्यों तोड़ा तूने? लेके चलो इसे। इसे उठा के बंद कर दीजिए। ले चलो इसे स्टेशन। चलो। अरे चलिए चलिए। इसे गाड़ी में बैठिए। चलो बैठो। हमेशा लास्ट सीट पे बैठता हूँ। हाँ। अंदर आ, अंदर आ। दरवाजा बंद कर लूँ? हाँ बंद कर। चलो गाड़ी बढ़ाओ। ये फिर आ गया सर। तुम जाओ। ए, पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? ताला तोड़कर भी तो जा सकता था, इस बार तू मार खाएगा। अरे जाने दो ना सर, मैंने ताला खोलने की कोशिश की लेकिन खुला नहीं। वैसे भी उसका माल मुंबई के बड़े बड़े दुकानों में बिकता है, एक तो चांस हाथ से निकल गया उसके ऊपर आप भी। इस बार मैं तुझे ठीक करके ही रहूंगा। बिल्कुल करो सर, मैं जानता हूँ। पहले आप अच्छे से धुलाई करोगे फिर अच्छा खाना भी तो खिलाओगे। कल सुबह जब कोर्ट में फाइन भरना पड़ेगा ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जरा खाने का ऑर्डर तो दे दो सर। अरे इसका कुछ नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। हाँ रायप्पन की दुकान में चोरी हो गई? कब हुआ? हाँ आ रहा हूं। ये तो रात भर जेल में था, ये चोरी किसने की है? कॉन्स्टेबल सर मेरे साथ चलो। मुझसे कह रहे थे ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जाके देखो। रात भर सो रहे थे क्या? वॉचमैन को कुछ भी पता नहीं? नमस्ते साहब। भाई टेंशन मत लो, पता करता हूँ कौन है। पहले दरवाजा किसने खोला था? मैंने ही खोला था। तो सबसे पहले तू ही आया था समाज सेवा करने? बात वो नहीं है सर, जब मैं अंदर आया और अलमारी और बक्से देखे तो उनमें मुझे कोई गहने नहीं मिले, सब खाली थे सर। देखते ही लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है तो मैंने फौरन साहब को फोन कर दिया। हाँ सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मुझे दिखाओ। दुकान बंद करते कैमरे भी ऑफ कर देते हैं सर। वेरी गुड, तो इतने सारे कैमरे क्या शोपीस के लिए लगा रखे हैं? वो बिजली का बिल बचाने के लिए ऑफ कर देते हैं सर। एक एक करके सबसे पूछताछ करो। हाँ? मुझे तुम में से किसी एक पे शक नहीं है बल्कि सब पे शक है। कैसे करोगे, कैसे पता करोगे? हो जाएगा,
फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया है, जरूर रास्ता निकलेगा। सुनिए ना, यहाँ घर के बाहर कोई बक्सा छोड़ गया है। क्या बकवास कर रही है? मुझे डर लग रहा है, उसमें क्या होगा? डरो मत, जल्दी आइए ना। अरे डरो मत, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो गए? चलो पहले घर चलते हैं। देखिए ना, पिछले एक घंटे से ये बक्सा यहाँ पड़ा है। इन सबसे कह चुकी हूँ कि बक्सा खोलकर देखो इसमें क्या है, मगर कोई खोलने को तैयार ही नहीं। अपनी बकवास बंद कर। भाई रुक जाओ। अरे हटो यार, रुक जाओ भाई। ए, मदन जरा चाबी दो। भाई जरा संभल। मैंने कहा चुप रहो। संभल कर रहने दो ना भाई, मैं किसी और को बुला देता हूँ। भाई अरे बाप रे, हाँ ये तो मेरी दिव्या का दुपट्टा है। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किसने किया है ये सब, आप पता लगाइए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। ये प्लान तो हमारा नहीं था, ये किसने किया? आप किस सोच में हैं? कुछ बोलिए ना, यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ करना होगा। मुझे मेरी बेटी चाहिए। रायप्पन, मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी दुकान लूट ली वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को उठाने की क्या जरूरत थी? ये कैसी बात कर रहे हो रायप्पन, मुझे सिर्फ मेरा सोना चाहिए और कुछ नहीं। दूसरे की प्रॉपर्टी हासिल करना मेरा धंधा है, दूसरों को टॉर्चर करना मेरा शौक है, लेकिन सुनो, इस तरह रॉबरी करना, किडनैपिंग करना, ये मेरा शौक नहीं है। भाई हमारे बॉस अभी टाइपिंग में बिजी हैं, बाद में फोन कीजिएगा। सर कुरियर, थैंक यू सर। खोल रहा हूँ। खोलो। मेरे प्यारे मम्मी पापा, प्लीज मुझे गलत मत समझना, ये लेटर जब तक आपको मिलेगा तब तक मैं जिसे प्यार करती हूँ उसके साथ मैं दूर भाग चुकी होंगी, आपकी दिव्या। सही है, मैं पहले से ही जानता था कि वो दिन में चार बार पिक्चर देखती है और अब वो किसी और के साथ भाग गई है। हा? क्यों, और तुम यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल देख रही हो? माँ हो ना उसकी, ऐसे ही नजर रखती थी अपनी बेटी पर? देखिए अपनी बेटी का गुस्सा आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं, बेटी की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर नहीं आप पर भी है। बकवास करती है तू। भाई लड़की भाग गई या उसे कोई भगा कर ले गया? जिसने मेरी दुकान से गहने चुराए और जिसने मेरी बेटी को उठाया, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे अपने दीवार पर लटका दूंगा। जरूर। क्यों भाई, अगली बार कब मिलोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी भी तो मैं इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा वकील ढूंढ लूंगा। चलता हूँ। पागल है एक नंबर का। सलाम साहब। कल्याणी का फोन क्यों स्विच ऑफ है? तुम यहाँ कहाँ से आ गए? हाँ यही सवाल मैं तुझसे भी कर सकता हूँ, तू यहाँ कैसे? मैं दिव्या से शादी करने वाला हूँ। शादी करने वाला है तो उसे बांध कर क्यों रखा है? ए, कहीं तुम सब मिले हुए तो नहीं हो? ए, दिखता नहीं है क्या, इन दोनों को इन गधों ने बांध कर रखा है। ए, ये कर क्या रहा है? इसे जब भी गुस्सा आता है ये ऐसे ही अपने आप को मारता है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे मारेंगे। आओ। हम्म
दू क्या? दिव्या, दिव्या, सारी मेहनत हमने की, कहाँ है सोना? ए देसु, टेंशन मत लो और मेरी बात सुनो। अपने मैटर पर इन लोगों के सामने बात करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमें इनकी हेल्प नहीं चाहिए। दिव्या, 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 ये सब कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये लोग मुझे मेरी सोने की चेन पूछ रहे थे, यहाँ क्या चल रहा है? पापा की दी हुई गोल्ड चेन, लेकिन क्यों? पता नहीं, कल रात को मैंने निकाल कर रखी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोगों ने इस लड़की को क्यों उठाया? हे, कहाँ गई वो सोने की चेन? कितनी मेहनत की, क्या करूँ मैं? बॉस चेन मिली तो ठीक, नहीं तो इस लड़की को यहीं पर उतार दो। मेरे पास बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और इसके पास बहुत सारे पैसे। इससे आप शादी करने वाले हैं क्या? बस कब और कहाँ? अपने सीक्रेट किले में। मेरी गर्दन दुखने लग गई, तुझे भी प्यार चाहिए? हाँ। हे, हे, दिव्या, दिव्या, अबे, ए दिव्या, दिव्या, हे, इसे बेहोश क्यों किया? पागल है क्या? रायपन अपनी गाड़ी में तुमसे छुपाकर नशीले ड्रग्स भेजने लगा, और वो भी इसने अपनी आंखों से देखा। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कमीना रायपन? मदन, हम कुछ पूछ रहे हैं और ये कुछ और बोल रहा है। जरूर कुछ बात है जो ये हमसे छुपा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बोल बे। बोल, 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 बोलता है कि नहीं? नक्शा जैसा लग रहा है। किस चीज का नक्शा है ये? क्यों, मदुराई के मंदिर में चोरी करके पैसे बनाने का प्लान है? पर यही मंदिर क्यों? और भी तो मंदिर, उससे बड़ा कौन सा मंदिर है? मदन, इसका भरोसा तो कर सकते हैं? कहीं लूटपाट करने के बाद ये हमें छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा? भाग कर जाएगा तो कहाँ जाएगा, अपना छोटा सा तो गांव है, छुपेगा कहाँ? तो ठीक है, डन। अच्छा, अब हम मैटर डिस्क्लोज कर ही देते हैं। तभी से ये कल्याणी मैटर मैटर बोल रही थी, क्या मैटर है? ऐसा कुछ नहीं है यार, दरअसल हम दोनों ने मिलकर रायपन की दुकान में चोरी की है। हे, अच्छा तुम दोनों चोर हो? हाँ। अच्छा आप गौर से मेरी बात सुनो, मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ, आज से ये तुम्हारी भाभी। ओए, ये तेरी भाभी है लेकिन तू इसका देवर नहीं। तेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक करूं? चलो चलते हैं। ए रुकना यार, ये हरिश्चंद्र के वाला आदेश से बात पता चली ना तो जाके बाप को बोल देगी, फिर सोच लेना यही लेक्चर देगी, चोरी करने से जिंदगी नहीं चलती, सुधर जाओ। मैं इसे घर छोड़ करके आता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके। ए, ये सब क्या है, हम जंग पर नहीं जा रहे? Oh,
ए भगवान हमारी मदद जरूर करना। ना मैं? हाँ एकदम जयपुर की महारानी लग रही हो। थैंक यू। तुझसे कहा था ना वो तेरी भाभी है, चल यहाँ से। दिव्या बेटा उठो, बेटा उठो तो। हाँ देखो यहाँ। पापा हे, इन दोनों को बात करने दो, हम लोग चल के पत्ते खेलते हैं, चलो। हे मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहे हो, मैं अभी कहाँ हूँ बताओ। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। ए, अच्छे पत्ते डालना। रात के 1:30 बजे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा इस वक्त पत्ते क्यों खेल रहे हैं? खेलने दो, अभी उनकी उम्र ही क्या है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है, आता हूँ अभी। ऐसा कौन सा काम है रात को? ये क्या हो रहा है भाई, हर किसी के घर में लाइट चालू होती है बंद होती है। हाँ सर। और यहाँ आधी रात को औरतें पूरे बाल खोल कर बाहर घूमती हैं। हाँ सर। औरत है कि चुड़ैल पता नहीं। सर एक नहीं सारा गांव ऐसा ही है सर। अगर इनका बस चलाना तो ये हम सबको पागल बनाकर छोड़ देंगे। हाँ सर। और यहाँ सारे पुलिस वाले भी सो रहे हैं सर, कुछ सस्पेंस वाली बात लगती है सर। I love you, darling. Feelings? Apple काटने का चाकू। क्या है फीलिंग्स? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान में चोरी हो गई है लेकिन कोई टेंशन नहीं। घर से जवान लड़की भाग गई लेकिन कोई टेंशन नहीं। कमाल है, तुम्हें मेरा सोना लौटाना है और इस बात की भी कोई टेंशन नहीं। कमाल के आदमी हो। मैडम व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? सुंदरी। हैं? सुंदरी। बड़ा ही क्यूट नाम है। क्यूट सुंदरी। मुंह बंद कर अपना। रायप्पन, it's okay, it's अगर कुछ करना ही है तो उसे ऑफिशियल कर दो। डॉक्टर पहना दो, हार है। ये क्या है यार? देख मुझे तो इन लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है, इनसे ये काम नहीं होगा। यहाँ माल रखना सेफ तो होगा ना? ए, चुप रहना यार, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। मजा ले कि कोई यहाँ से चोरी करके ले जाए। चलो आराम से। ए उसे कहाँ ले जा रहे हो? ए चुपचाप आना इधर।
मुझे बांध क्यों रहा है तुम लोग? बांध क्यों रहा है तुम लोग मुझे? फिलिंग्स क्या रहा है सब? कुछ नहीं, बस ये सिर्फ सेफ्टी के लिए। मैडम योर हैंड प्लीज, आगे करो। पुरानी बीमारी ठीक करने की ये बेस्ट टेक्निक है। हे फीलिंग्स, क्या है ये? छोटा टॉर्चर बड़े टॉर्चर में बदल जाए, उससे पहले सच बता दो। सच? कौन सा सच? मेरे हाथ में हार्डवेयर में मिलने वाली ये 15 रुपए की फेविक्विक है, और तुम अब भी मजाक कर रहे हो। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। बॉस, ए, तुम ये सब क्या करने वाले हो? बस थोड़ी सी गुदगुदी होगी। ए, फीलिंग्स, हाँ, क्या कर रहे हो तुम ये सब? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अभी पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे चेहरे पर? जल रहा है यार। थोड़ा नजदीक आओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे जल रहे हो। मेरी बात से जानू, सच सच बता दो। कौन है तुम्हारा जानू? नहीं, अरे बताता हूँ, छोड़ दो मुझे। सूरजगढ़ में। लेकिन सूरजगढ़ में कहाँ? उस गणपति के पुतले के अंदर है। हे गणपति पापा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई डर नहीं। वहां कहां रख दिया तुमने? वो जगह सेफ भी है या नहीं? वो जगह सेफ लगी इसलिए मैंने वहां पर रख दिया। ए, मेरे हाथ खोलो। ए, ये कोई वक्त है भगवान के दर्शन करने का? ए, इधर क्यों लाया? वहां चंदनगढ़ में और सूरजगढ़ में गणपति के त्योहार को लेकर काफी मसले चल रहे थे। कैसे मसले? एक तरफ इनके झगड़े चल रहे थे और दूसरी तरफ इनकम टैक्स से बचने के लिए सोने के बिस्किट्स और मेरे पैसे छुपाने के लिए मुझे अच्छी जगह मिल गई थी। चंदनगढ़ और अपने प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने कांच की गणपति मूर्ति बनाने के लिए उन लोगों को पैसे दिए। मैंने कहा कि कितने भी पैसे लग जाए पर गणपति की मूर्ति 3 हफ्ते पहले लोगों के सामने एक नई फिल्म की तरह रिलीज होनी चाहिए। तो उसने कांच की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। मैं जब सारा सोना एक बोरी में बांधकर गणपति के अंदर छुपा रहा था तो उसने मुझे देख लिया। हे, हे, देशु, यहाँ पर तो पैसे हैं, बोल तो निकाल लेता हूँ। ए, चिल्ला क्यों रहा है? बाहर ही पुलिस खड़ी है, बेकार में फंस जाएंगे। आगे बताओ। उस आदमी को बहलाने के लिए मैंने उसे झूठी कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि मेरी कुंडली में राहु दोष है और दोष निवारण के लिए मुझे सारे पैसे भगवान की मूर्ति के अंदर डालकर उसमें ताला मारकर उसकी चाबी को कहीं और फेंक देना होगा, इससे मेरे दोष का निवारण हो जाएगा। ये शायद वही चाबी है जो दिव्या के पास है। इस तरह मैंने उसे उल्लू बनाया, फिर मुंबई से इंजीनियर बुलवाकर उसके लॉक सेफ करवाए। मेरे पैसे हो गए सेफ। सुनो, तुम दोनों मिलके गणपति को उठाओ, मैं चूहे के अंदर जाता हूँ। ओ, नहीं हो सकता। अरे होगा यार, शांत हो जाओ, फोकस, आओ आओ मेरे साथ आओ, आ जाओ। इस बीच अगर मुझे पता चल जाए कि गांव में कोई गड़बड़ होने वाली है, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है इस बारे में भी मैंने सोच करके रखा हुआ है। सारा प्लान ही उसी हिसाब से है। चलो आ जाओ। सेफ्टी की गारंटी क्या है? सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। मदन, हा? यही वो जगह होगी। उठाओ इसे। क्या हुआ? कोई चोरी करने गया तो आवाज पहचानने वाला लॉक भी लगा हुआ है। ऐसे क्यों कर रहा है? पुटेड स्पीकर। अली बाबा 40 चोर देखी है ना, उसमें जैसे डाकू आके गुफा के दरवाजे को खुलने को कहता है, वैसा ही कुछ है। अब समझ में आया कि ये रायपन कितना बड़ा माइंड मास्टर है। रायपन होशियार है तभी तो हम यहाँ झक मार रहे हैं, वरना सोना लेके उड़ चुके होते। और वो लॉक सिर्फ 2 लोगों की आवाज सुनने के बाद ही खुलेगा।
मतलब ये हमसे नहीं खुलेगा क्या? खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं है हाँ। लेकिन रायापन की आवाज कौन निकालेगा ये सोच रहा हूँ मैं। क्या खाक चोर है यार तू भी, इतनी देर से रायापन की तारीफ ही किया जा रहा है तू, कुछ नहीं होगा तुझसे। बिना किसी आवाज के ये खुला कैसे? देखता हूँ। कुछ दिख नहीं रहा। वो दोनों कहाँ है? वो दोनों उसके अंदर ही हैं। What? सेफ्टी के लिए? कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। ए, यहाँ पे स्विच है। कौन आधी रात को लाइट को ऑन कर देता है? ए, ये तो फाइव स्टार होटल की तरह बनाकर रखा है। फ्रिज, ड्रिंक्स, टीवी, एयर कूलर, हाँ? ए, ये लोग कौन है? तेरे साथी हैं क्या? ए, जरा शांत रहो ना, उन दोनों को उठाओगे क्या? ज्यादा बोलेगा तो उठ जाएंगे। लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है, संभल के रहना। वो दोनों अंदर क्यों हैं ये बात उनको बिल्कुल पता नहीं। आगे बताओ। ए, ये क्या है? शेल्फ है, इसे देखकर इतना क्यों डर रहा है? ए, ए, यहाँ ड्रिंक्स रखी है। एक बॉटल खाली है तो मुझे लगता है कि ये दोनों पी के टून हो गए हैं। कुछ भी हो जाए ये लोग उठने वाले नहीं है। मुझे लगता है अपने पास आराम से 2 घंटे का वक्त है, उसमें ये पूरा साफ कर लेंगे। अगर उसे क्रॉस कर लिया तो आगे नंबर लॉक है। और वो नंबर क्या है? नंबर जानना चाहते हो? वो नंबर लॉक मेरे अलावा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। ए, फिर से कर। लिप लॉक, लिप लॉक, ओपन। इसे इसे बीच में ले, आराम से बॉटल संभाल। वो दोनों उठने नहीं चाहिए, ये रख दे। आ जा। नंबर लॉक। रायप्पन तो होशियार निकला, अब क्या करेगा बोल? वो शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। तो उससे हो पाएगा क्या? मुश्किल नहीं है, बस सोच रहा हूँ कि रायप्पन की सबसे फेवरेट चीज क्या है। फेवरेट क्या है? गाड़ी है उसकी। कितनी गाड़ियां हैं उसके पास? 3 गाड़ियां हैं। गाड़ी का नंबर? सबका नंबर एक ही है, 3494। सुपर, जरा बैग दे। थ्री फोर नाइन फोर। ए, ज्यादा खुश मत हो, एक और लॉक भी है। ए, गुड। यस यस। पर अगर नंबर लॉक खोल दिया तो उसके बाद गणपति का बेस है, उसके अंदर एक तिजोरी है और फिर एक चाबी वाला लॉक है। ये सारा सिस्टम मेरे दिमाग की उपज है भाई। रायप्पन ने बाहर भले ही हाईटेक लॉक लगाए पर अंदर एकदम देसी ताला लगाए। आइडिया फीलिंग्स, आइडिया। लाइटर लाइटर। हाँ। ये ले। गणपति पप्पा,
एक दो तीन चार पाँच छह सात, पांच गोणियों में गणपति बप्पा की मूर्तियां हैं और बाकियों में हल्दी और कुमकुम। सारा टाइम वेस्ट कर दिया तूने। सुन सोना क्या गोल्ड, ये देख। हाँ, हर सोने के बिस्किट को छोटे छोटे गणपति में छुपा कर बोरियों के अंदर भर दिया है। सुनो, आज मुझे गणपति बप्पा पे पूरा विश्वास हो गया। सुनो, हल्दी कुमकुम वाली गोनियों को बांध दो, उन्हें हम ऊपर रख देंगे, बाकी गोनियां हम साथ में ले चलेंगे। चलो, ये गई हल्दी, ये गई कुमकुम, रायपन क्लोज हो जा, आया हूँ तो सब कुछ ले जाऊंगा। लाइफ सेट हो गई भाई। एक बैग भरकर सोना, क्या बात है देसु। जब तक हम पर शक नहीं आता, हमें किसी बात का डर नहीं है। देसु, इतने सोने की कीमत क्या होगी? मुझे लगता है कम से कम 150 करोड़। डेढ़ सौ करोड़? अब तो मैं अपनी खुद की पिक्चर बनाऊंगी। अब तो हमारी लाइफ बन जाएगी, इतने पैसों में तो हम जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। भाई, इससे पहले कि रायपन को पता चले, हमें यहाँ से निकलना होगा। बताओ कैसा लगा? देखते हैं। वैसे सुनने में प्लान तुम्हारा अच्छा लग रहा है। 108, ये पूरा माल हम आपस में बांट लेते हैं। इसको अपना राज बता के रायपन ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब भगवान को यही मंजूर था तो कोई क्या करता भला। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो और क्या करूं? अगर कल को लोग इस गूंगे को पकड़ करके धोएंगे तो ये हम सबको फंसा नहीं देगा क्या? अरे छोड़ वो सारी बातें, इतना सोना तो हमें कभी भी नहीं मिलता। इस सोने को बेचकर मैं एक रेसिंग कार खरीद लूंगा। ये रायपन का क्या करें, वो तो दिव्या को ढूंढ रहा होगा। इसीलिए हम पे शक ना हो, इसलिए मैं जो प्लान बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं रोज जाके पुलिस स्टेशन में साइन करूंगा और तू रायपन के घर जाके काम करेगा। तो फिर से मुझे वहीं भेज रहा है? मैं नहीं जाने वाला। ए, तुझे अमीर बनना है कि नहीं? चल चलते। ये हुई ना बात। मैं यहाँ मर मर के प्लान बना रहा हूँ और ये है कि बस मदन, इसके भरोसे हम यहाँ इतना सोना छोड़ के नहीं जा सकते। कल्याणी, तुम उससे इतना हंस हंस के बातें कर रही हो, वो पहले से ही आधा पागल है, और मत बनाओ। ओके। भाभी है? भाई, इस सोने की मदद से मैं बहुत बड़ा रेसर बनूंगा। और तुम? मैंने बहुत सोच कर देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए अभी मैं अपने दोस्त अटैक पंडी के पास जा रहा हूँ। अटैक पंडी? ये कौन है? इस शहर में जितने भी ज्वेलरी शॉप है उन सब में उसने हाथ साफ किया है। एक नंबर का शाना है। कब मिल रहा है उससे? कल सुबह पुलिस स्टेशन में साइन करने के बाद मैं उससे मिलने जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे रात भर ड्यूटी करके आया है? सर, जिसे हर रोज हाजिरी देनी हो क्या वो रात को चैन से सो सकता है? रात भर जागा हूँ सर। वैसे टाइम क्या हुआ? क्या करेगा, ऑफिस जाना है क्या? चुपचाप साइन करके जा। क्या जोक था, ऐसा जोक आप ही मार सकते हैं सर। यहाँ साइन करना है ना? नमस्ते सर। बैठिए भाई। क्या हुआ, कुछ पता चला कि नहीं? क्या बोलूं भाई, केस तो उलझता ही जा रहा है, एक भी सबूत नहीं मिल रहा है। हम जहाँ थे वहीं अटके हुए हैं। और मेरी बेटी? ए बेवकूफ, जा चाय बोल क्या। मुझे माफ कीजिए सर, मेरे पास तो चाय पीने तक के पैसे नहीं है। जरा समझाओ इसको। ए, बाहर चाय वाला है, जाके उसे बोल दे, हमारे अकाउंट में दे देगा। अकाउंट? अकाउंट हुआ तो सिर्फ स्विस बैंक में होना चाहिए, वरना नहीं। कांस्टेबल सर। हाँ सर, 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 सर। पहले ही दे देते, 5 मिनट में आता हूँ मैं। आप चिंता मत करो भाई, चोर बच के कहाँ जाएगा। क्या है ये, इतनी बड़ी चोरी हो गई और चोर अभी तक घूम रहा है? नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्यों, कौन है ये लड़की? क्या है नारायण, उम्र निकल गई लेकिन हरकतें नहीं गई। ऐसा मत बोलिए साहब, आप मुझ पर शक मत कीजिए, मैं पहले ही बहुत गरीब आदमी। देखो रे, सब कुछ यहाँ सच सच बताओ, समझे? साहब, ये लड़की मेरी दुकान पे सोना बेचने आई थी। इस पार्टी को पहले से जानता हूँ साहब, जब ये चैन लेकर के आई तो टैग भी नहीं निकाला, इसलिए मैंने आपको फोन किया साहब। और ये रही वो चैन। ये वही चेन है जो आपके दुकान से चोरी हुई थी। पार्टी बहुत शातिर है, इतनी शातिर है कि आपके दुकान का टैग निकाले बिना ही बेचने पहुंच गई है। हाँ।
आंख मारती है तू? बाकी के जेवर कहाँ है? किस चीज को बांट दिए? एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। सारी पूछताछ कर ली है। वो कल्याणी है जिसने इसे हार दिया था। कल्याणी? कौन कल्याणी? वही कल्याणी है भाई जिसके साथ आप गए थे लॉज में। अभी कहाँ है वो? उसका तो अभी पता नहीं है, चोरी करके फरार हो गई। लेकिन प्लान किसका था पता है? किसका था? अभी जो बेवकूफ बकवास कर रहा था। बेवकूफ? कौन बेवकूफ? अरे वही बेवकूफ जो चाय लेने गया है। उसकी तुम है? तो ये इसका काम है, उसे क्यों चाय लेने भेजा तुमने? अगर हाथ में आया ना तो उसकी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। वैसे वो यहाँ वापस आएगा ना? वो लड़का कहाँ जाएगा भाई, उसे रोज पुलिस स्टेशन में हमारे यहाँ हाजिरी देने के लिए आना पड़ता है। चाय, चाय। मैंने कहा ना मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ। कैसे हो काका, सब ठीक है ना? भला मुझे अब क्या होगा, मेरा धंधा पानी अच्छा चल रहा है, हर महीने कैसे भी करके गुजारा कर ही लेता हूँ। मैं तो ठीक है, तुम अपनी बताओ। ओ, मैंने तो सिर्फ पूछा कि तुम कैसे हो। इधर तो आ जरा। नहीं सर, थैंक यू। तुझे पसीना क्यों हो रहा है? मैं कभी कभी सोचता हूँ तो पसीना आता है। सही बात है, अभी क्यों बेकार में सोच रहे हो, चाय ठंडी हो रही है ना। मैंने तुमसे उस दिन कहा था ना कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, तुम और तुम्हारी कल्याणी। कल्याणी के साथ ये सन्नी लियोनी, और ये गई दुकान में चेन बेचने, और दुकान से मेरे पास फोन आया। अरे चाय तो दे जरा। ए, इधर आ तू। ए, आने को कहा। ओके भाई, भाग रहा है, भाग रहा है वो। रुक। ठीक है, जरा पकड़ो ना। लाइए। हाँ ठीक है, चलो चलो। अरे वो मैं अंदर चाय देने गया था, चीनी थोड़ी कम है, चीनी डाल के लाओ। कटिंग बोल देना। ऐसे क्यों भाग रहा है? अरे क्या हुआ? इसकी तो मैं, जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल, जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? सर वो उस तरफ भाग रहा है। सर आप गाड़ी लेकर जाइए, मैं उसके पीछे भागता हूँ। उसे पकड़ो जल्दी। चलो चलो चलो, उधर भाग रहा है वो, जल्दी पकड़ो उसे। गाड़ी क्यों रोक दी? अरे रेस के नाम पे यहाँ वहाँ गाड़ी दौड़ाते फिरते हो, अब क्यों रोक दी? भागने दो उसे साहब। क्यों, क्या हुआ? डीजल भरवाना भूल गया। सुबह नाश्ता करना भूला था क्या? मुझसे भाग कर जाएगा कहाँ, उसके पैर न तोड़ दिए तुम्हें। ए, तुम सब होशियार हो ना? हेलो हेलो, ये सब भी मुझे धोखा दे रहे हैं। ए, अपना फोन देना। कॉल जाएगा ना इससे? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पे पसीना क्यों है? मैं कभी कभी सोचता हूँ तो पसीना आता है। ये तो उस बेवकूफ का डायलॉग लगता है। ये तो मेरी बेटी है। बेटी? अरे, रुको, मेरी बेटी, पकड़ो, पकड़ो, मेरी बेटी। क्या कह रहे हैं भाई, बेटी नहीं बेवकूफ को पकड़ने निकले हैं हम। अरे अरे अरे, उसके फोन में मेरी बेटी का फोटो है। क्या कह रहे हैं भाई? दिव्या की शादी तो किसी और के साथ होने वाली थी, अभी वो ड्राइवर के साथ भाग गई क्या? जरा धीरे बात कर। समझ गया भाई, जिनके घर बेटियां होती है ना उनको हर कदम फूक फूक के रखना चाहिए। आपने खुद अपने दुश्मन को घर में पना दी और आपको पता तक नहीं चला। तो मेरी बात समझ, मेरी बेटी मुझे तुरंत मिलनी चाहिए, समझा? मिल जाएगी, मिल जाएगी। बात तो ऐसे रहा जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा। भाई टेंशन मत लो, उसे हम जरूर पकड़ लेंगे। क्या खाक पकड़ोगे तुम भाई, चलो गाड़ी निकालो। चलो भाई, चलिए चलिए, जल्दी चलो। यहाँ तो रास्ता ही खत्म हो गया, इधर कहाँ जाएगा वो? किसी से पूछें क्या? हाँ पूछते हैं सर, लेकिन मुझे लगता नहीं इधर आया होगा।
चल के उस तरफ ढूंढते हैं। हाँ ठीक है चलिए। बच गया। देख भाई नई शर्ट है, कल ही खरीदी है भाई, मुझ पर मत फेंकना। ये ले पकड़। एक चाय मैंने उस पे फेंका, दूसरा चाय। ए एक बात बता, रायपन को पता कैसे चला? पता नहीं पर बहुत गड़बड़ हो गई, बुरे फंसेंगे यार। ठीक है कोई बात नहीं, हम जितना जल्दी गांव पहुंचेंगे उतना ही अच्छा होगा। तू सही कह रहा है यार, यहाँ पे लूना है और साइकिल, साइकिल से जल्दी पहुंचेंगे। ये देख, अच्छा आइडिया है, ये ले पकड़, मैं चाबी बनाता हूँ। ए, गाड़ी रुको, लाइसेंस दिखाओ। तुम्हारा ही है ना, तुम्हारी आईडी। तुम दोनों के चेहरे फोटो से मिलते जुलते नहीं है भाई। देखो सर, हमारे देश में ये सब चीजों का बजट ही कहाँ होता है, अब फोकट में काम कराएंगे तो फोटो तो ऐसी आएगी ना। ठीक है लेकिन तुम दोनों एक साथ नहीं जा सकते हो, दोनों को अलग अलग जाना पड़ेगा, जाने दो। ठीक है सर। क्या देख रहा है? चलता हूँ। बाय। सर गांव में एक एक्यूज छुपा है सर, उसे अरेस्ट करना है सर। गांव में धारा 144 लगी हुई है सर। तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है क्या? नहीं है सर। गांव में पहले से प्रॉब्लम चल रही है, तुम दूसरी प्रॉब्लम लेकर क्या आ गए? तुम अरेस्ट वारंट के बगैर अंदर नहीं जा सकते। अगर हमें किसी को गिरफ्तार करना है तो हमारे पास अरेस्ट वारंट होना जरूरी है। ठीक है सर। यहाँ हमारे पीछे पुलिस पड़ी है और ये कलाकारी में लगा पड़ा है, देख। ओ भाई केमिस्ट्री जम गई है तुम दोनों की, जोड़ी अच्छी लगेगी। अरे भाई भाभी की मूर्ति बना रहा था ना, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। कल्याणी, कल्याणी, क्या तुम भी उसके पागलपन में साथ दे रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं हूँ। वाह, अब तो मेरा हीरोइन बनना तय है। आईने में अपनी शक्ल देखी है कभी? बाहर पुलिस हमें पकड़ने के लिए पहरा लगाए बैठी है, पकड़े गए तो तुम्हारे साथ साथ हम भी अंदर जाएंगे। अच्छा और एक बात बताओ, किसको पूछकर तुमने सनी लियोनी को वो चेन दे दी? मैंने उसे अपने हिस्से में से दिया था, इस बात से तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरी मर्जी। कम से कम प्राइस टैग तो निकाल के देती, पूरे गांव में बवाल हो गया कि तुमने चोरी की है। ओह, वो पकड़ी गई क्या? अरे वो तो पकड़ी गई, उसके चक्कर में हम पकड़े जाएंगे। अभी अभी देख के आ रहा हूँ, तुम्हारा पूरा लॉज पुलिस के गिरफ्त में है। ए, यहाँ मैं इतनी सीरियस खबर सुना रहा हूँ और तू है कि मूर्ति बनाने के पीछे पड़ा है। उसकी फीलिंग तुझे नहीं समझ में आएगी, भाभी से बहुत प्यार करता है ना, बनाने दे। ये आदमी भी ना। अब सुनो, हम सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। यार मैं इतने दिनों से इस गांव में आ जा रहा हूँ, गांव के हर घर का दरवाजा बंद मिलता है, इस घर का दरवाजा भी बंद है लेकिन अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है। किसकी आवाज हो सकती है? यार मुझे कुछ डाउट हो रहा है सर। बाल की खाल निकालना बंद कीजिए ना, और जिस काम के लिए आए वो कीजिए। ठीक है भाई चलो आगे। उन लड़कों का कुछ पता नहीं चला, इसीलिए बॉस बौखलाए हुए हैं। रायप्पन, मुझे सब पता चल गया। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसका बस एक ही इलाज है, पियो और दिमाग को ठंडा रखो। ये सिर्फ पानी है। इसमें ये भी डालो। सॉरी। पूरा। बॉस को एसिडिटी है, मर क्यों नहीं जाता। चीयर्स। चीयर्स। देखो अगर तुम्हें अपने मन की भड़ास निकालनी है ना, तो इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं हो सकता। गुस्सा भी शांत हो जाता है। देखो कल मैं गांव जा रहा हूं, इन दोनों आदमियों को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सोना कहाँ रखा है ये पता करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो ठीक है पर गांव में जाएंगे कैसे? अपना इंस्पेक्टर जा रहा है ना। हम्म।
यही मदन का गांव है। ए, क्या हो रहा है यहाँ? इसे देखिए, सिगार मुंह में लेके कैरम खेल रही है। एक भी पत्ता नहीं मिल रहा। सर कुछ खाएंगे क्या? नहीं चाहिए। आओ सर, हमारे साथ भी एक बाजी खेलो। तुझे पता है किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? क्या करें सर, 144 के नाम पर हम लोगों को घर के अंदर बिठा रखा है। बहुत दिनों बाद कोई आया इसलिए खेलने को कहा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो 2 दिन के लिए शहर गया है, काम खत्म करके आ जाएगा। मुझे सब पता है किस काम से गया है वो। रैपन की बेटी के साथ घर बसाने के चक्कर में लगा है वो। सुनिए सर, क्या? आप मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। अगर मेरे बेटे ने लड़की को भगाया है तो ये भी मैं जानती हूँ कि वो उसे आखिर तक संभालने की हिम्मत भी रखता है। बिना कुछ सोचे समझे बोला मत करो। अरे भाग्यवान, पुलिस वालों से ऊंची आवाज में बात मत कर, संभल के बोल। साहब हम इतने बुरे नहीं है कि अपने बेटे का अच्छा बुरा ना सोच सके। सही बात है सर, सही है। गांव में 144 की धारा लगी है और तुमने इस पूरे घर को जुए का अड्डा बना के रख दिया है। लोगों के पास कोई और काम नहीं है सर, इसलिए ऐसा किया। जाते समय दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हमें ऑर्डर दे रहा है? क्या हुआ, वो जोकर मिला क्या? चल जा सर, चख तो लीजिए। चलो यहाँ से। पता नहीं क्या समझता है। अरे जल्दी चलो उसे निकालते हैं। चलो निकालो उसे, दम घुट रहा होगा। निकालो निकालो। उठो बेटा, उठो उठो। नमस्ते सर। बैठो। डेमो सीडी सर। यही है ना उसका घर? जय हो मेरे देवा, जय हो मेरे देवा, तुम ही मेरे देवा, परम देवा, जय हो तुम्हारी देवा, अपनी कृपा बनाए रखना मुझ गरीब पर देवा। तुम्ही मेरे ब्रह्मा, तुम्ही मेरे विष्णु, तुम्ही महेशा, जय मेरे देवा, तुमको प्रणाम, शत शत प्रणाम। ए चुप रे, ये सब क्या चल रहा है? सारे सड़े हुए फल एक साथ रखे ताकि इनकी देसी दारू बना सकूं। आपको कुछ चाहिए तो बोलो। वाह क्या बात है, ये कोई शराब बनाने का अड्डा है? पूरी दुकान लगा रखी है। क्या करूँ, सब घर में करना पड़ता है। हमारे गाँव में चाहे होली हो या दिवाली, 12 महीने धारा 144 लागू रहती है। लोगों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, पर शराब तो उन्हें पीनी है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब घर पे ही शराब बनाएगा क्या? आदमी है या बैल, वो भी सीना तान के पुलिस के सामने बोल रहा है। अरे जाने दो ना साहब, आपका हफ्ता आपके टेबल पे पहुंच जाएगा, आप जाओ। ठीक है ठीक है। तुम यहाँ इसकी कहानी सुनने और हफ्ता वसूल करने आए हो? बेटा कहाँ है तुम्हारा? वो तो ये कह के गया था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है किसी जरूरी काम से। हाँ वो तो बहुत बड़ा कलेक्टर है ना। तुम यहाँ शराब बनाते हो और वो वहाँ ताला तोड़ता है। जैसा बाप वैसा ही बेटा। सर मुझसे बहस करके क्या फायदा, वो कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता। देखो साहब मुझे अभी बहुत काम बाकी है, वरना सारे फल फेंकने पड़ेंगे। हे राधे, काम शुरू किया? हाँ शुरू किया ना। हाँ समझ गया कि हम लोगों के यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। हफ्ता जाता है तो सिर पे चढ़ जाएगा क्या? बेकार बड़बड़ कर। चुप रे, अपने बेटे को बोल देना कि पुलिस आई थी, अगर हत्ते चढ़ गया ना तो जान से जाएगा। सर अगर वो नहीं मिला तो तू गया। सर ए देखा ना साहब कितना गुस्सा हो रहा है, जरा समझाना अपने बेटे को। वो कहाँ पड़ा होगा मुझे क्या पता। पुलिस आई है, संभल कर। साइड हटोगे जरा, दिख नहीं रहा महारानी बैठी है। पुलिस आ रही है यहाँ पे, चलेंगे महारानी जी। पुलिस यहाँ पर? हे हे इस इधर से, इधर से। हे उठो, हे पुलिस आ रही है, चलो। अबे पुलिस आ गई, चल। क्या सर, अंदर चलिए सर। इस तरह घर घर घूम के मैं परेशान हो गया हूँ। सही है सर, लेकिन रैपन के बारे में भी तो सोचिए, वो भी हमारा कितना ख्याल रखते हैं सर। हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए सर। तुम्हारी ये सोच तुम अपने पास रखो। कपूर,
अंदर चलिए सर। ए, तुमने खुद की तस्वीर कैसे बनाई? देसु और मदन कहाँ है? अगर कुछ याद आए तो बता देना। सर आपके शरीर में ग्लूकोज कम हो गया सर, कम से कम एक चॉकलेट खा लीजिए। लगता है यही वो जगह है जहां उसने सोना छुपाया है। गणेश चतुर्थी को लेकर गांव में जो समस्या है, सूरजगढ़ और चंदनगढ़ के लोगों को हिदायत दी जाती है कि गणेश चतुर्थी के त्योहार को ठीक से मनाने के लिए दोनों गांव वालों को कलेक्टर के सामने आना होगा और कलेक्टर साहब इस परेशानी का हल बताएंगे। चलो वहीं चलते हैं। देखिए गणपति के त्योहार को लेकर जो समस्या है सर, कुछ ऐसी बात बताइए जो हम सब के समझ में आ सके। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उनका हम विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कांच लगे हुए हैं उसे हम पानी में नहीं डाल सकते। ये आपको भी समझना चाहिए। समझ गए, पर इस परेशानी का हल आसानी से समझाइए। आसानी से समझाइए। सही सवाल है, ये जवाब देने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। अब हम ये देखेंगे कि मूर्ति से कांच को कैसे निकालना है। जरा दिखाइए सबको। हाँ दिखाइए ना सर। आप सब लोग ये तरीका अपनाएंगे? अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन चंदनगढ़ वालों के सामने हमारे गणेश जी का विसर्जन करके उन गांव वालों के मुंह पर हम कालिक पोते गया। क्या सही कहा ना? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसी खुशी में आज से गांव में धारा 144 हटा दी गई है ताकि गांव वाले गणेश जी का त्योहार अच्छे से मना सके। तेरा नाम ले जा सारा, तू ही है देवा हमारा, हम सब की आंखों का तारा, तू ही है अपना सहारा, तू सुख करता ओ मेरे बापा, तू दुख हरता मेरे प्यारे बापा, ओ करे हम तेरी पूजा, तुझसा ना कोई दूजा, दिल में तू ही बसा, हम पे तेरा नशा। तुम दोनों होश में हो ना? हाँ होश में ही है। तिजोरी की चाबी हाथ में आने के बाद सारी चीजें मेरे मुताबिक होनी चाहिए, समझ गए ना तुम? ठीक है साहब। हर तरफ तेरा बोलबाला, धोखा जो देता दगा जो देता, करे तू उसका मुंह काला, तू ही चुटकी में लोगों की पीड़ा मिटाए, इसलिए तुझे कहे सब विघ्न हरता, जिंदगी रोशन करके सही राह दिखाए, तू ही है हमारा पालन करता, ओ खुशियों से झुली सबकी तू भरता, का तू ही विधाता, सच्चाई की राह तू ही दिखाता, शान से जीना तू ही सिखाता, तना नने तना नने तना नने ताना ने, ओ तना नने तना नने तना नने ताना ने, ओ। अरे रुक जाओ सब। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अब तो विसर्जन कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। Hey, तेरी बनाई
ये प्यारी सी दुनिया आज कितनी बदल गई देखो। जीना है यहाँ जो ठाट बाट से तो धोखेबाजी करना तुम सीखो। सुबह शाम सब लेते हैं नाम तेरा फिर भी सारे काम वो करते हैं गलत। उन्हें नहीं पता उनका भी होगा फैसला क्योंकि माफी नहीं देती तेरी अदारा। जिसको आती है शर्म उसके हैं अच्छे कर्म। हो जो है यहाँ बेशर्म उसके फूटे कर्म। सच्चाई की राह तू ही दिखाता शान से जीना तू ही सिखाता। यहाँ सब खत्म हो गया है चलो तुम दोनों बाहर आ जाओ। आते। What a sunny day। हाँ साहब ये लीजिए आ गए। क्या हुआ पासवर्ड बोल कर आना था ना सीधा दरवाजे से बाहर आ गए। पासवर्ड भूल गया साहब। पासवर्ड भूल गया मजाक है क्या साहब। ये क्या है कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है मानता हूँ लेकिन ये जब पी लेता है तो इसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है साहब। अरे कब पी थी तूने? दो दिन पहले साहब। दोस्त थोड़ी ज्यादा हो गई मैं जाऊँ बहुत जोर की लगी है। 1 2 3 4 ए दोस्त मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। पासवर्ड भूल गया है? तो दरवाजा बंद कैसे किया था बता। हाथ से बंद किया था। टेक्नोलॉजी की बैंड बजा के रख दी तुमने। एक तो पी रखी थी ऊपर से दोनों सो गए थे। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा। ठीक है बाकी की बोरियां कहाँ है लेकर आओ। साहब वहाँ पर तो सिर्फ 2 ही बोरियाँ थी। अंदर 7 बोरियाँ होनी चाहिए। 7 बोरियाँ इनकी थी क्या जो ये खांस रहे हैं? ठीक है चलो निकालो। ठीक है सर। ठीक है सर। बभूति कुमकुम क्या साहब ये बभूत कुमकुम के लिए आपने हमें इतने दिनों तक अंदर रखा। रायप्पन तू मुझे धोखे पे धोखा देता जा रहा है। फीलिंग्स मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरी बात मान। ओके सर। साहब हमें तो कम से कम बता सकते थे। अंदर जाकर देख लेना सिर्फ कचरा मिलेगा। चलो मेरे साथ चल। सारी मेहनत पानी में गई। कहाँ गया होगा सोना? हूँ का क्या मतलब? कह रहा था पता नहीं बोरी कहाँ चली गई होंगी। ए, मेरी लगी पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है। साहब, साहब, साहब। ए, इधर आ। साहब। ए, सच सच बता कहाँ है? इधर आ। बता मुझे। साहब, साहब मुझे। कहाँ भाग कर जाता है? ए, 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 मैं तुझे छोडूंगा नहीं। रुक। साहब, नीचे। नीचे? नीचे? ए, फिलिक्स। सोना नीचे है। नीचे लंबी सुरंग दिख रही है मुझे। सोना चाहिए इन्हें सोना। ए, ए, देखो रास्ता कहाँ जाता है। ठीक है साहब। देखो यहाँ देख रहा। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? नीचे जाके देख। जाता हूँ सब जाता हूँ। जा तू भी। काफी बड़ी गुफा लगती है यार। डॉक्टर क्या तुम्हें स्पेशली बोलना पड़ेगा? हाँ जाता हूँ बॉस। ओह माय गॉड।
बॉस रुकिए, मैं आता हूँ। ये रास्ता कहाँ जाता है बॉस? मुझे क्या पता, देखते हैं ना। अब यहां से कोई नई कहानी शुरू। ये बोतल काहे की है सर? वो चार बोतल में से एक बोतल खो गई थी ना, मैं यही सोच रहा था कि वो बोतल कहां गई। ये वही बोतल है सर। तो, लाइ सर। सर ये देखिए क्या मिला। ए, 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 दिखाओ जरा। इसमें क्या छुपा कर रखा है? ये कल्याणी है ना? बहुत सही बनाया है साहब, कई दिन हो गए इसे देखे हुए। वैसे आपने इसे कैसे पहचान लिया साहब? अरे बाप रे बाप, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। तेरी तो, तू खड़ा होकर क्या देख रहा है? ढूंढ। आ सब। फीलिंग्स, इस चोरी में कम से कम 3 लोगों का हाथ है। ये सब तुम्हारा ही प्लान है ना, बोल भी दो। फीलिंग्स, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? शक करूं या ना करूं ये डिपेंड करेगा जब ये पूरा का पूरा गेम खत्म हो जाएगा, और तब तक तुम मेरे मेहमान बन के रहोगे। कहां पर? मेरे महल में, जहां मेरे दादा और नाना रहा करते थे। कौन है वो जिसने ये कांड किया है? ए देसू, एक बात कहूं, छुपने के लिए तो तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, पर अगर वहां पर रहना हो तो सबके घर जाने के लिए सुरंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसा क्यों? दरअसल हर साल हमारे गांव में धारा 144 लगाई जाती है, कर्फ्यू काफी लंबा चलता है। अब सब लोग घर में बैठकर तो नहीं रह सकते ना, इसीलिए सारे गांव वालों ने मिलके हर घर में बाथरूम होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हर घर में सुरंग होना भी है। अगर घर के बाहर पुलिस पहरा दे रही हो तो घर के नीचे से लोग यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं। इस तरह लोग मैदानों में जाते हैं, पत्ते खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, जनरल और बोर्ड मीटिंग भी करते हैं। अगर समझो गांव का कोई आदमी रात में घर वापस आना चाहता हो तो उसके लिए मंदिर के बाहर एक ढोल की व्यवस्था है। उस ढोल को बजाने से सारी औरतें बाल खोलकर बाहर आ जाती हैं। इसे देखकर पुलिस डर के भाग जाती है। इसका फायदा उठाकर जिसे जहां जाना है वो जा सकता है। मदन, तू दिव्या को अपने घर ले जा। हाँ ठीक है। क्या दिव्या, क्या खाती है? तेरा वजन कितना हो गया है? हाथ दर्द हो रहे हैं मेरे। झूठे कहे के इसलिए कह रहे थे कि हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। और इसी सुरंग के जरिए मेरे पापा लोगों के घर जरूरत की चीजें पहुंचाया करते थे। अरे जल्दी करो, बंद करो इसे। हाँ आ जाओ। अरे काम तो पूरा करने दो। अपनी पूरी जिंदगी में मैं सड़कों पर इतना नहीं घुमा हूँ जितना इन सुरंगों में घुमा। जब भी धारा 144 लगती मैं सुरंगों में घुस जाता। तुम्हारा नाम तो गिनीज रिकॉर्ड में होना चाहिए। देसू फ्रॉम सूरज। थैंक यू, माय विलेज, आई एम प्राउड। मदन, ये दिव्या का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बात क्या है? क्या है दिव्या, टेंशन किस बात का है? इतना अच्छा पति मिल गया है, इतने सारे पैसे मिल गए, मदन बहुत अच्छा लड़का है, और क्या चाहिए? अगर इतना अच्छा लड़का है तो कल्याणी की शादी इसके साथ करवा दो। ऐसा क्यों बोल रही है? बोलने के पहले सोचती नहीं है क्या कि क्या बोल रही है? तो कुछ भी बोल देती है। सोना हाथ आने के बाद तुम्हारी नियत भी बदल गई है ना, हमारा रिश्ता भी मायने नहीं रखता ना। ए, क्या बकवास कर रही है तू? मैं जिंदगी भर गरीबों की तरह जीऊं यही चाहती है क्या तू? चोरी के पैसों से खुशियां खरीदने चले हो, बस हुआ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? रायप्पन की बेटी और शराफत की बातें। डायलॉग मैं मार रहा हूँ तो ताली भी मैं ही दूंगा, तू नहीं। तुम अगर अमीर नहीं बनोगे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, तुम मेहनत से जो भी कमाओगे मैं सच में उसी में खुश रहूंगी। ये तो फिल्म का डायलॉग है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। हाँ
ये सोना तुम दोनों आपस में बांट लो। ए, फिर से एक बार सोच ले, एक बार दिया तो वापस नहीं मिलेगा, ठीक है? ये है ना मेरे साथ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, तुम लोग आपस में बांट लो। इसके बाद सब अलग हो जाएंगे, गाड़ी रुकते ही हम एक दूसरे को नहीं जानते। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ए, किसे फोन कर रही हो? मेरे पापा को। हा? उनको क्यों कर रही हो? फीलिंग्स नहीं। दिव्या, तुम्हारी बेटी। हेलो पापा, गुस्सा मत होना, मैं मदन के साथ बहुत खुश हूँ। दिव्या, तुम मदन को फोन देकर पहले घर चली जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। पापा ने हम दोनों को घर बुलाया है। दोनों को घर पे बुलाया है? ऐसा हो जाऊंगा तो चलेगा क्या? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारे पापा पागल हो गए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। तुम कौन हो? तुम यहाँ आ जाओ और खुद ही मिल लो। कहाँ आना है? तिरुचि। हेलो, क्या हुआ? हेलो, अरे, अरे अरे क्या हुआ, बताओ तो, रो क्यों रही हो? पापा मुसीबत में हैं। है? मुसीबत में? शांत हो जाओ। ए ड्राइवर, जरा गाड़ी रोको। पापा, पापा क्या हुआ पापा? ए, दिव्या, क्या हुआ पापा? मेरे पापा को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बता दो सोना कहाँ है? सोना? मैं कोई सोना उन्हें नहीं जानता। प्लीज, कौन सा सोना? सारा सोना तेसु के पास है। सोना वो हम सब ने चुराया है, रैपन का कोई हाथ नहीं है उसमें। सूरज तो अपने घर पर है, पर देशु का हमें नहीं पता। झूठ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। प्लीज कुछ करो मदन। मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? प्लीज मदन, मेरे पापा को चलो। मदन कुछ करो, खड़े क्यों? कुछ तो करो मदन, प्लीज। सोना कहाँ छुपाया है ये तुम्हें पता है? ये मैं भी जानता हूँ। मेरे आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे और 24 घंटे में सोना मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना बेटी और उसका ये बाप। देख क्या रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। सोना लेके आओ। ए दिव्या, प्लीज कुछ मत कीजिए, वो जरूर वापस आएगा। कहाँ गया होगा ये? इस शहर में जितनी ज्वेलरी की दुकान है उसने सब पे हाथ साफ किया है। हेलो बॉस, कम ऑन थ्री रोजेस। कैसी लग रही है? ओ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करो तभी सुनाई देगा। क्यों मेरी एंजल्स? रोज, मैरी और जीना। क्यों सर, क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्चे हैं, उन्हें देखने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए कम से कम। है, अरे छोड़िए अभी। हाँ।
मछली खुद आकर जाल में फंस गई। बैठ जा अंदर। क्या रे देसु, बहुत टाइम के बाद आया। पहले तो तू हजारों लाखों के गहने बेचने आता था, लेकिन अभी करोड़ों का माल लाया है। कैसे किया रे ये? ये राज की बात है। ये कौन है मेरे भाई? यही है, शुड बी। शुड बी? शुड बी यार, जिससे शादी करने वाले होते हैं। ऐसा है क्या? फिर तो बढ़िया है भाई। एक काम करते हैं, पहले 10 लाख के गहने बेचते हैं, फिर बाद में बाकी का सोचते हैं। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं फोन करके आता हूँ, तू थोड़ा रुक। हाँ। जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। देसु, चलो निकलते हैं। कल्याणी, मेकअप बाद में, पहले दरवाजा बंद करो, मैं आता हूँ। हाँ करती हूँ। सुनना। हाँ बोलना। इस बैग में रखे गहनों की जगह पैसे देखने का मन कर रहा है। वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं अच्छी डील करा के दूंगा। हे, हे, देखो गहने। वाओ, ये तो बहुत सारे हैं। इसमें तो सॉलिड पैसे मिलेंगे। हे, चलो निकलो, चलो चलो। ए, कौन हो तुम सब? हैं? ए, कहाँ ले जा रहे हो बैग? हाँ, रुको। ए, चला। चलो निकलो यहाँ से। हे, जल्दी 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 चलो यहाँ से, चलो। हे, रुको। चल 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 चल, निकल निकल यहाँ से। ए, ए, चोर! मदन, मदन जल्दी उनका पीछा करो। अरे हुआ क्या? वो हमारे गहने लेकर भाग रहे। क्या बात कर रही हो? अरे बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो, जल्दी। अरे जल्दी करो। मदन, देसु को फोन करो। करता हूँ, करता हूँ। ये क्या है? हाँ? अरे बाप रे, ये सूरज भैया को क्या हो गया? ए, जल्दी चला। चल पीछा करते हैं। मैं अंदर जाके आता हूँ, तू यहीं वेट कर। क्या कहने हैं यार, सच में मजा आ गया। क्या हुआ? तुमने जैसा बोला था उतनी ही आसानी से हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। कौन सी प्रॉब्लम? अगर लड़की को भी साथ में उठाकर लाते हैं तो सोने पे सुहागा होता है यार, पर तुम ही ने लड़की को उठाने को मना कर दिया। देसु मुझे काफी दिनों से जानता है, जेल से दोस्ती है हमारी, इसलिए एक दिन में सिर्फ एक ही धोखा दे सकता हूँ। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो पहले ही कहा था अपने हिस्से का सोना ले ले। सोना तू अपने सर पे मार ले, तेरे दोस्त पंडित ने कल्याणी से सारा सोना चुरा लिया है। ए, वो मेरा सोना क्या चोरी करेगा, वो तो मेरे साथ ही था रास्ते पर। तो फिर अंदर क्या करने गया, तुझे नहीं पता है क्या? चल। ए पांडे, देसु का क्या करना है? कुछ तो करना पड़ेगा, अब क्या करें वही समझ में नहीं आ रहा है। चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। मैंने कहा बैग को छोड़ो। मदन, अब ये जिंदगी भर अपनी माँ को याद करेगा। हाँ।
सोना तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। भाई आपका सोना मिल गया ना, अब हमें क्यों टॉर्चर करना है आप? तुम लोगों ने इतनी टेंशन जो दी तो टॉर्चर तो करना ही पड़ेगा ना। सब सुन लो, तुम्हारा नसीब ही तुम्हारा फैसला करेगा। तुम्हें मौत कैसी चाहिए ये भी तुम ही चुनोगे। तुम्हें चाकू से, तुम्हें हथौड़े से, तुम्हें कुल्हाड़ी से, और तुम्हें गोल्फ स्टिक से, और तुम्हें पॉइजन से, फीनिक्स, और तुम्हें शॉक देकर। सर आपका एक्शन, आपकी हेयर स्टाइल, आपका जैकेट, ये सब देखकर मुझे मेरे मैजिक अंकल की याद आ गई। वो बचपन में आया करते थे मुझे मैजिक दिखाने के लिए। आप भी दिखाइए ना। तुम सबको एक साथ ही भेज देता हूँ, वही होगा सबसे अच्छा मैजिक। अब देखो मेरा मैजिक, देखो मेरा कमाल। अभी ये कर क्या रहा है? अब देखो मेरा मैजिक, देखो मेरा कमाल। अब देखो मेरा मैजिक, देखो मेरा कमाल। अब देखो मेरा मैजिक। जब मैं बोलूं तो भागना, ठीक है सर? अब देखो मेरा मैजिक सर, देखो मेरा कमाल सर। रुको, जल्दी 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 सर, सर जरा रुकिए सर। ओ माय गॉड, यू नीड ग्लूकोज। चलिए चलिए पापा यहाँ से। चलो चलो कल्याणी यहाँ से भागो, जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। मुझे क्या हुआ सर? टेंशन ज्यादा, शुगर लो हो गया है सर, इसीलिए आपकी सुई एक ही जगह अटक गई है। ये सब कहाँ गए? सब भाग गया सर। मत होइए बॉस, आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। अपनी हालत देखिए, सोलो फाइट आपके लिए ठीक नहीं है। हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे। जाना बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मेरा मैजिक। अब ऊपर वाले से प्रार्थना कर लो कि वो तुम्हारी जान बचाए। या बॉस 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 बॉस
बॉस फीलिंग्स क्या हुआ इसे? He is just dead. He is gone. क्या बोलते हैं दामाजी? अब अपने घर चले? क्यों बेटी? हैं? हैं? कहाँ गए वो? हैं? हवा खा गई उन्हें? रायपन, इस दुनिया में हिंसा, धोखाधड़ी, अत्याचार, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं जानते हैं आप? जब कोई किसी और की अमानत हासिल करने की कोशिश करता है तब आपका सोना आपको मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह आप भी किसी और का सोना हासिल करने की इच्छा मत रखिए, वो गलत है, इसीलिए वो मैं ले जाता हूँ। आप सब कौन हैं? Am I Sheikh Wasim Akram from Dubai? Oh, hello. And my brother, Sheikh Soheb Akhtar. Hello. Salaam wale. ये है मेरी सीक्रेटरी जेनिफर लोपास। हाय। नमस्ते। शेख की मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? पहले जिप तो खोलो। ऐसा पहली बार देख रहे हैं क्या? ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं। वो हमें लंदन जाना था तो सोचा 20-25 यहाँ बेच कर जाएं। शॉपिंग के काम आएगी। आप शरीफ दिखते हैं इसीलिए आपके पास आया। आपको किसने भेजा? आबादुबी में। रायपन ने। ओह, तो ये बात आप मुझे पहले ही बता देती। ओके ओके ओके, राइट राइट। कितनी देर देखेंगे? जरा जल्दी कीजिए, मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। ओह, ए, तुम लोग अंदर क्यों आए? तुम सबको अरेस्ट किया जाता है सोना स्मगल करने के जुर्म में। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। आई बात समझ में? हमारे साथ चल वरना अंजाम बुरा होगा। सुना क्या? मिश्रा तुम आगे चलो, हमें कुछ अर्जेंट काम है, हम निपटा के आते हैं। सीधा खड़ा रहे। सूरजगढ़ वालों के मछली पकड़ने की वजह से चंदनगढ़ वालों ने एक दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इस बार उन लोगों ने एक बड़े से मगरमच्छ को पानी में छोड़ दिया और साथ ही वहां एक बोर्ड लगा दिया कि यहां पर आना जानलेवा हो सकता है। कलईवणी स्कूल के नाम पर सूरज ने मूर्ति कला सबको सिखाने की ठान ली। जो कला इसके हाथों में है उसे आगे की पीढ़ी सीखे, ऐसी सोच लेकर सूरज अपनी ईमानदारी की जिंदगी बसर करने लगा। देसू चाबी वाला। अब इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कैसे गया पता है? सुनो बहन, तुम्हारे पति नहीं है? क्यों, क्या हुआ? मैं मार्केट में सब्जी लेने के लिए गई तो मेरी चाबी खो गई है, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा है। थोड़ी देर रुक जाइए भाभी, बैंक का लॉकर खोलने के लिए बगल वाले बैंक में गया है। ओ, थोड़ी देर में आ जाएगा। ज्यादा देर तो नहीं होगी ना? लो आ भी गया। हाँ आप बैठिए ना। हाँ देसु सर, अब तो तुम्हें बैंक लॉकर खोलने के लिए भी बुलाते हैं। तुम्हारे बारे में सुनकर अच्छा लगता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। वही चीज, वही चाबी आज सही तरीके से इस्तेमाल की तो दुनिया ने सम्मान भी दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। भाभी इंतजार कर रही होगी ना? जी बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ? क्या प्रॉब्लम है इनकी? ओ, भाभी की चाबी गुम गई। ओ हाँ, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, खाकर जाना। हाँ ड्यूटी फर्स्ट, खाना बाद में। चलती हूँ बहन। आता हूँ कल्याणी। मदन का सपना, बड़ा रेसर बनने का उसका सपना कल पूरा होगा, क्योंकि किस्मत पलटते देर नहीं लगती।